नमस्कार, हमारे इग्नोरियो बुक्स चैनल पर आपका स्वागत है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय स्कूल ऑफ सोशल वर्क SOSW डिप्लोमा प्रोग्राम्स पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन सोशल वर्क काउंसलिंग PGDCOUN हिंदी MSW 0121 की विशेषताओं और चुनौतियों का परिचय। खंड शैशवकाल और बाल्यावस्था। इकाई जैविक विकास 1.0 उद्देश्य। इस इकाई में हम शैशवावस्था और बचपन में होने वाले जैविक विकास पर चर्चा करेंगे। इस इकाई के अध्ययन के बाद आप विकास, जीवन की विभिन्न अवस्थाएं और विकासात्मक कार्य का अर्थ समझ सकेंगे। मानव विकास और जैविक विकास के आयाम। प्रसव पूर्व विकास के अर्थ को समझना। पर्यावरण का प्रसव पूर्व विकास पर प्रभाव और प्रसव पूर्व देखभाल। और शैशवावस्था, बचपन, आरंभिक बाल्यावस्था और उत्तर बाल्यावस्था के दौरान शारीरिक विकास का विवरण और इससे संबंधित शारीरिक बाधा। एक प्रस्तावना। जब हम परामर्श का अभ्यास काउंसलिंग प्रैक्टिस करते हैं तो यह अत्यंत जरूरी होता है कि हम जीवन की विशेषताओं और उससे संबंधित चुनौतियों को जानें। गर्भधारण से मृत्यु तक एक व्यक्ति लगातार बदलता रहता है। हर विकासात्मक अवस्था की अपनी विशेषताएं होती हैं। विकासात्मक मनोविज्ञान, जो कि जीवन काल के दौरान बचपन से वयस्क होने तक के विकास की समझ देता है, वह समस्या से ग्रस्त व्यक्ति को भी समझने में मदद करेगा। मानव विकास का वैज्ञानिक अध्ययन, जो कि जीवन भर कैसे और क्यों होने वाले परिवर्तन को समझने में मदद करता है। यह मानव विकास के सभी आयामों को सम्मिलित करता है, जिसमें शारीरिक, भावनात्मक, बौद्धिक, सामाजिक, प्रत्यक्ष, ज्ञानात्मक और व्यक्तित्व विकास आते हैं। इसकी विशेषताओं और चुनौतियों में आयु एक महत्वपूर्ण सूचक होता है, जो सूचित करता है कि एक विशेष आयु में व्यक्ति क्या कर रहा होगा। इस इकाई में हम शैशवावस्था और बचपन के दौरान खासकर जैविक विकास की विशेषताओं और चुनौतियों पर चर्चा करेंगे। इसको समझने के लिए यह आवश्यक है कि विकास के अर्थ, जीवनकाल की अवस्थाएं, हर अवस्था में विकासात्मक कार्य, मानव विकास और जैविक विकास के आयामों को समझें। इस कोशिश में प्रसव पूर्व विकास का अर्थ, पर्यावरण का प्रसव पूर्व विकास में प्रभाव और प्रसव पूर्व देखभाल को समझना जरूरी है। यह हमें शैशवकाल, बचपन, आरंभिक बाल्यावस्था और उत्तर बाल्यावस्था के दौरान शारीरिक विकास और इसमें संबंधित शारीरिक बाधाओं को समझने में मदद करेगा। 1.2 मानव विकास का अर्थ। विकास मानव में जीवनकाल के दौरान होने वाली वृद्धि का वर्णन करता है। विकास को इस प्रकार से परिभाषित किया जा सकता है कि यह जीव में गर्भधारण से मृत्यु तक होने वाला एक व्यवस्थित और क्रमिक परिवर्तन है। वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा आंतरिक और मानसिक प्रक्रियाओं का एकीकरण इंटीग्रेशन प्रेरित होता है, जो कि एक व्यक्ति को और अधिक तथा नए परिवेश में उद्दीपन के प्रति दक्ष बनाता है। जीव के अंदर एक जैविक योजना के द्वारा विकास की प्रक्रिया होती है और साथ ही जीव की वातावरण से अंतःक्रिया जीव में परिवर्तन लाती है। विकास का ध्येय है कि लोग जिस भी परिवेश में रह रहे हैं उसमें उनका समायोजन हो। चाहे जीवनकाल भी लंबा या छोटा हो, यह प्रायः विभिन्न अवस्थाओं या काल में उपविभाजित किया जाता है, जिसमें हर एक की कुछ व्यवहारिक और विकासात्मक विशेषताएं होती हैं। हरलॉक बी HARLOCK 1981 के अनुसार जीवन की विभिन्न अवस्थाएं 10 कालों में विभाजित की जा सकती है। एक जन्म पूर्व अथवा गर्भकालीन अवस्था, गर्भधारण से लेकर जन्म तक की अवस्था। दो शैशवावस्था, जन्म से 2 सप्ताह के अंत तक। 3 बचपनावस्था, 2 सप्ताह से 2 वर्ष तक, 2 सप्ताह के अंत से 2 वर्ष के अंत तक। 4 प्रारंभिक बाल्यावस्था, 2 वर्ष से 6 साल, शिक्षा पूर्व समय। 5 उत्तर बाल्यावस्था, 6 से 10 या 12 वर्ष की आयु तक, प्राथमिक शिक्षा के वर्ष। 6 पूर्व किशोरावस्था, 10 वर्ष या 12 वर्ष से 13 या 14 वर्ष तक।
7 किशोरावस्था 13 या 14 से 18 वर्ष नया वर्ष तक, 8 प्रारंभिक वयस्कता 18 से 40 वर्ष तक, 9 मध्यावस्था 40 से 60 वर्ष तक, 10 प्रौढ़ावस्था 60 वर्ष से मृत्यु तक। हर व्यक्ति एक ही समय पर इन अवस्थाओं पर नहीं पहुंचता और साथ ही हर व्यक्ति इन सभी अवस्थाओं तक नहीं पहुंचता, लेकिन हर चरण की अपनी कुछ समस्याएं हैं जिन्हें दूसरे चरण तक पहुंचने से पूर्व सुलझाना आवश्यक है। इन अवस्थाओं में असफलता के परिणाम स्वरूप अपरिपक्वता और समायोजन में कठिनाई होती है। विकासात्मक कार्य है विगहर्टस के अनुसार HAVIGHORT 1953। विकासात्मक कार्य वह कार्य है जो किसी विशेष चरण में सीख जाता है, जिससे खुशी और आने वाले चरण में सीखे जाने वाले कार्य में सफलता मिलती है, अन्यथा इन सब में असफलता बाद के चरण में होने वाले कार्यों में दुहक और कठिनाई पैदा करती है। वे 3 उपयोगी लक्ष्यों की पूर्ति करते हैं। ये है, वे किसी आयु में समाज द्वारा अपेक्षाओं का मार्गदर्शन तय करती है। बी, वे एक व्यक्ति को प्रेरित करती हैं कि उसे एक आयु में समाज के अपेक्षाओं के अनुरूप क्या करना चाहिए। सी, वे व्यक्ति को दर्शाती हैं कि आगे क्या है और वे क्या करने के लिए अपेक्षित है जब वे विकास के अगले चरण में प्रवेश करते हैं। वह आने वाले विकास के चरण की अपेक्षाएं भी सुनिश्चित करती है। विकासात्मक कार्य एक सामान्य विकास के दिशानिर्देश निर्धारित करने में मुख्य भूमिका निभाता है, जो भी उन दक्षताओं को हासिल करने में हस्तक्षेप करता है वह विकास में संभावित बाधक हो सकता है। विकास से संबंधित 3 सामान्य संभावित बाधक इस प्रकार हैं: अनुपयुक्त अपेक्षाएं, बी, किसी विकासात्मक कार्य की दक्षता में असफलता के फलस्वरूप किसी विकास की अवस्था की उपेक्षा होना, सी, एक व्यक्ति द्वारा एक चरण से दूसरे चरण की ओर जाने पर होने वाले संकट का अनुभव। मानव विकास के क्षेत्र डोमेन्स ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। मानव विकास शारीरिक, संज्ञानात्मक, भावनात्मक और सामाजिक विकास को सम्मिलित करता है। शारीरिक विकास, ये उन सभी होने वाले शारीरिक परिवर्तनों को शामिल करता है जिसमें वजन, लंबाई, मस्तिष्क, हृदय और अन्य अंगों की बनावट और प्रक्रिया तथा कंकाल, मांसपेशी तथा स्नायुविक या तंत्रिका संबंधी विशेषताएं न्यूरोलॉजिकल FETURES जो क्रियात्मक निपुणताओं में होने वाले परिवर्तन को प्रभावित करती है। शारीरिक विकास शायद इन सब में सबसे अधिक स्वाभाविक प्रक्रिया है। बच्चों के संदर्भ में होने वाला विकास और वृद्धि का ढांचा लगभग एक सा होता है, लेकिन ऊंचाई, वजन, ग्रहणशीलता ACNSOLEYCAPACITIONS और शारीरिक विकास के अनेक क्षेत्रों में भिन्नता होती है। जैविक विकास कई कारकों द्वारा निर्धारित होता है, जैसे प्रसव पूर्व देखभाल और प्रकृति। बच्चे का स्वास्थ्य अधिकतर माँ के स्वास्थ्य पर निर्भर होता है। संज्ञानात्मक विकास COGNITINE डेवलपमेंट उदास स्माइली संज्ञान सभी मानसिक क्रियाओं में परिवर्तन को सम्मिलित करता है, जैसे संवेदनशीलता, इंद्रिय बोध, याददाश्त, सोच, विवेक बुद्धि, रीजनिंग और भाषा में परिवर्तन। संज्ञात्मक विकास सीखने, ध्यान, इंद्रिय बोध और याददाश्त पर केंद्रित करता है। मानसिक भावनात्मक विकास साइकोलॉजिकल इमोशनल डेवलपमेंट, वह एक व्यक्ति में होने वाले व्यक्तित्व, भाव और दूसरे के साथ होने वाले संबंधों में परिवर्तन को सम्मिलित करता है। मानसिक क्षेत्र वह प्रक्रिया है जो कि किसी जीव के जीवित रहने के लिए अति आवश्यक है। सामाजिक विकास है वह लोगों का अन्य से समायोजन और परस्पर संबंध के लिए सही तरीकों को संबोधित करता है। सामाजिक क्षेत्र विभिन्न सामाजिक ढांचों जैसे व्यक्तित्व शोध, सामाजिक निपुणताओं और संबंधों के विचार को समाविष्ट करता है। जानदेन ETL 2007 सभी क्षेत्र परस्पर कार्य करते हैं तथा एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। बॉयड एंड बी 2006 प्रसव पूर्व विकास गर्भपूर्व या गर्भावस्था का आरंभ गर्भधारण से जन्म तक होता है जो कि लगभग 9 माह का होता है।
नए जीवन का आरंभ निषेचन द्वारा होता है, जिसमें डिंब और शुक्राणु का मिलन होता है, जिसके फलस्वरूप एक युग्मनज या युक्ता का सृजन होता है। पुरुष लिंग कोशिकाएं प्रजनन के लिए तैयार होने से पहले दो चरणों से गुजरती हैं, परिपक्वता मैचुरेशन और निषेचन फर्टिलाइजेशन। महिला की लिंग कोशिकाएं फीमेल एसीएक्सीएलएलएस प्रारंभिक तीन चरणों से गुजरती हैं, परिपक्वता मैचुरेशन डिंबक्षरण ओव्यूलेशन और निषेचन फर्टिलाइजेशन। परिपक्वता एनएटीओआरएटीआईओएन उस प्रक्रिया को कहते हैं जिसमें गुणसूत्रों का अपचयन रिडक्शन कोशिकाओं के विभाजन द्वारा होता है। लिंग कोशिकाओं में पकने की प्रक्रिया यौन परिपक्वता से होती है। डिंबक्षरण महिलाओं में लिंग कोशिकाओं के विकास का प्रथम चरण है, जिसमें हर मासिक धर्म के दौरान दोनों अंडाशय में डिंब तैयार होता है। गर्भधारण के दौरान चार मुख्य दशाएं अनुवांशिक वरीति लिंग संतान की संख्या संतान बच्चे की परिवार में क्रमकर निर्धारित होता है, जो कि बाद में एक व्यक्ति के विकास को प्रभावित करता है। हरलॉ की 1981 प्रसव पूर्व काल का वर्गीकरण तीन उप के अंत तक खंड में किया जा सकता है। युक्ता की अवधि ये गर्भधारण से 2 हफ्ते की होती है और एक निषेचित अंडायुक्ता जाइगोट कहलाता है। बी अविकसित भ्रूण की अवधि वह अवधि 2 हफ्ते से 2 माह तक की होती है। इस अवधि के दौरान मुख्य अंगों तथा विशेषताओं का गठन होता है। सी भ्रूण की अवधि यह 2 माह से जन्म तक की होती है। इस अवधि से जन्म तक एक भ्रूण की वृद्धि तथा वजन में बढ़ोतरी होती है। भ्रूण के विकास की अवधि बड़ी नाजुक होती है, क्योंकि एक भ्रूण में शारीरिक विशेषताएं बड़ी तेजी से विकसित हो रही होती है, जो कि गर्भावस्था के दौरान प्रतिकूल परिवेश में विकृति ला सकती है। प्रसव पूर्व पर्यावरण का प्रभाव पर्यावरण का असर गर्भधारण से शुरू हो जाता है। निषेचित अंग 1 सप्ताह की जटिल यात्रा करते हुए क्रियाशील और सक्रिय रसायन के माध्यम में अंडवाहिनी फैलोपियन ट्यून से गर्भाशय की ओर जाता है। शुरुआती अवस्था में एक भ्रूण मां द्वारा लिए जा रहे द्रव्य रसायनों तथा पर्यावरण में व्याप्त टेराटोजेंस टीएआरएटीओजीएनएस के प्रति बहुत संवेदनशील होता है। पर्यावरण में मौजूद कोई भी घटक जो भी जन्म में विकृति या खराबी लाता है उसे वैज्ञानिक टेराटोजेंस कहते हैं। मां द्वारा ली जा रही दवा मां द्वारा संक्रमण रोग असंक्रमण वाले रोग एक भ्रूण को हानि पहुंचा सकते हैं। पैमलिया ई डी ई टी एल 2003 रोग का नाम और भ्रूण के लिए खतरा। एक मां को रूबेला तथा अन्य संक्रमण के कारक गर्भपात मृत शिशु समय से पूर्व जन्म मानसिक मंदता अंधापन की शिकायत बहरा दिमाग में क्षति और हृदय रोग। दो क्लैमाइडिया एसटीआई समय से पूर्व प्रसव योनि द्वारा प्रसव में कंजक्टिवाइटिस आंख आना या अंधापन अथवा निमोनिया। विवरण के लिए स्क्रीन को देखें। शारीरिक मानसिक और सामाजिक कारक पर्यावरण के कारकों में सम्मिलित है। भौतिक कारकों में पोषण मां की बीमारी शारीरिक क्रिया दवा का सेवन शराब मां की आयु बाह्य पर्यावरण में खतरा भ्रूण का स्थान भ्रूण का आकार और भ्रूण के कारण एड्रेनल में बढ़ोतरी हो सकती है। मां की मानसिक अवस्था ऐसे अंतःस्राव हार्मोन्स पैदा करती है जो शिशु पर प्रभाव डाल सकते हैं। मां की भावनात्मक अवस्था परिवार का परिवेश मधुर संबंध पति और पत्नी के सहयोग पूर्वक संबंध मां का डर या गर्भ के प्रति विकर्षण गर्भावस्था के दौरान असुविधा ये सभी के मुख्य लोगों का नए जीव के प्रति स्थापित भाव। घर में विद्यमान सभी लोगों के भाव में मां का भाव सबसे महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि मां और शिशु का शुरुआती दिनों में गहरा संबंध होता है। माता पिता का भाव शिशु का शुरुआती दिनों में गहरा संबंध होता प्रकार अन्य भाई बहन तथा घर में दादा दादी का भाव परिवार की सामाजिक आर्थिक अवस्था। प्रसव पूर्व देखभाल एक गर्भवती महिला को दिए जाने वाले ध्यान और देखभाल को प्रसव पूर्व देखभाल कहा जाता है, जिसमें चिकित्सा संबंधी
शिक्षात्मक, सामाजिक और पोषण से संबंधित सुविधाएं सम्मिलित हैं। यह सुनिश्चित करता है कि माँ और बच्चे को अच्छा स्वास्थ्य मिले और शिशु एक अच्छी अवस्था में इस संसार में आए। चिकित्सा, समय पर जांच और निरीक्षण शीघ्र ही किसी विकार का पता लगाने में सहायक होते हैं। स्वास्थ्य संबंधी निर्देशों का पालन माँ और शिशु को अच्छा स्वास्थ्य प्रदान करते हैं। शिक्षात्मक, गर्भ से पूर्व और गर्भावस्था के दौरान परामर्श काउंसलिंग मददगार साबित होती है। पोषण, आराम, व्यायाम, खुद की देखभाल, गर्भावस्था के दौरान यौन संबंध, गर्भ के दौरान असुविधा का सामना तथा जन्म से पहले की तैयारी जैसे विषयों पर बातचीत CLASES बड़ी ही उपयोगी होती है। शारीरिक, सही पोषण, पर्याप्त आराम, पर्यावरण का प्रदूषण से मुक्त होना, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण और भोजन में प्रदूषण, शराब और अन्य नशीले पदार्थों और दवाओं के सेवन से बचना, ये सब इसमें संबंधित मुख्य क्षेत्र है जो माँ का अच्छा स्वास्थ्य सुनिश्चित करते हैं। मानसिक, माँ का भावनात्मक रूप से अच्छा होना, आरामदायक होना, अच्छा पारिवारिक परिवेश, किसी भी चिंता और झगड़ों से मुक्त होना, मधुर सहयोग पूर्वक संबंध, पति पत्नी के बीच सहयोग पूर्ण संबंध महत्वपूर्ण होते हैं। सामाजिक, माँ और परिवार के सदस्यों की गर्भधारण के प्रति सकारात्मक सोच, सामाजिक सहयोग, अच्छी सामाजिक आर्थिक अवस्था, माता पिता का उच्च स्तर तक शिक्षित होना, भाई बहनों तथा दादा दादी का गर्भधारण के प्रति सकारात्मक नजरिया, बच्चे के लिंग की परवाह किए बिना पूर्ण स्वीकृति, प्रसव पूर्व पूर्ण ध्यान एक समान रूप से नहीं देखा जाता, गरीबी, अवैध गर्भधारण और अनचाहा गर्भ प्रतिकूल कारक है। गर्भ में जुड़वा बच्चे, किशोरावस्था में गर्भधारण, अनचाहा गर्भ, अवैध गर्भधारण, पहला गर्भधारण अथवा वह महिला जिसके पास गरीबी के कारण जरूरी सहयोग नहीं है, ऐसी अवस्था में गर्भधारण के दौरान अधिक ध्यान की आवश्यकता होती है। जन्म की प्रक्रिया का वर्गीकरण 3 अवस्थाओं में किया जाता है। पहली अवस्था 12 से 14 घंटे की होती है जिसमें ग्रीवा CREVIX फैलता है और शिशु को जन्म नलिका की ओर धकेलने के लिए तैयार होता है। दूसरी अवस्था में जब वास्तव में जन्म होता है जिसमें कुछ मिनटों से 3 घंटे लगते हैं। तीसरी अवस्था में नाल बाहर आती है या जन्म के बाद का समय एसफोर्ड BET L1997। एक सामान्य नवजात शिशु का भार लगभग 2.5 किलोग्राम से 3 किलोग्राम के बीच होता है। पूर्ण गर्भकाल की अवधि 38 से 42 हफ्तों की होती है। 1-3 शैश्वकाल के दौरान शारीरिक विकास। शैश्वकाल, चिकित्सीय शब्दावली के अनुसार नवजात एक बहुत छोटा बच्चा होता है। इसमें विशेष कोई आयु सीमा निर्धारित नहीं है, जब भी एक बच्चा नवजात न रहकर बच्चा कहलाता है। नवजात एक बहुत छोटा नाजुक बच्चा होता है, अतः एक असहाय अवस्था की ओर इशारा करता है। इस अवधि के दौरान नवजात शिशु की पूर्ण असहायपूर्ण अवस्था से आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ोतरी होती है। शैश्वकाल विकास की सबसे छोटी अवधि होती है और यह वह वक्त है जबकि मूलभूत संयोजन होता है। शैश्वकाल के दौरान विकास में स्थिरता प्लेटो आ जाती है। प्रसव पूर्व काल के दौरान होने वाली वृद्धि और विकास जन्म के साथ ही रुक जाते हैं। जन्म के तुरंत बाद एक शिशु का वजन कम हो जाता है जो कि शैश्वकाल के अंत में फिर से बढ़ जाता है। बेल RQET L1971 कहते हैं कि शैश्वकाल की अवधि भविष्य निर्धारण और बाद में होने वाले विकास की रूपरेखा तय करती है। शैश्वकाल मानसिक और शारीरिक समायोजन के लिए एक नाजुक अवधि होती है। हरलॉकी दी के अनुसार शैश्वकाल विकास की सबसे छोटी अवधि होती है जो कि लगभग 2 हफ्ते की होती है। इस काल को 2 उपविभाजनों में बांटा जा सकता है। पहली अवस्था को आवर्त पार्टेनेट कहते हैं जो भ्रूण के मां के शरीर से निकलने से नाभि रज्जु UNBILIEL के काटे व बांधे जाने की होती है। दूसरी अवधि को नवजात NEMATE
कहते हैं, जिसका आरंभ नाभि रज्जु को काटने व बांधने से लेकर 2 सप्ताह होती है। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण समय होता है, जबकि शिशु का मां के गर्भ के बाहर नए परिवेश में समायोजन होता है। एक नवजात को विकास की प्रक्रिया को जारी रखने के लिए 4 मुख्य समायोजन करने होते हैं। तापमान में परिवर्तन के साथ मेल बिठाना, गर्भ में लगभग 60 से 70 डिग्री का होता है। बी, श्वास, जब नाभि रज्जु को काटा जाता है, एक शिशु को तुरंत ही स्वयं से श्वास लेना होता है। सी, चूसना और निगलना, गर्भनाल के स्थान पर अब नवजात को चूसने और निगलने के द्वारा स्वयं ही पोषण लेना होता है। जन्म के समय शरीर में 2 प्रतिवर्ती रिफ्लेक्सेस क्रियाएं पूर्ण तरह से विकसित नहीं होती और प्रायः एक नवजात को जरूरत से कम पोषण मिलता है, जिसके फलस्वरूप वजन घटता है। डी, निष्कासन, जन्म के शीघ्र ही एक नवजात के अंग निष्कासन की प्रक्रिया आरंभ कर देते हैं। नीब रज्जु द्वारा पुराने पड़े अपव्यय पदार्थों का निष्कासन होता है। अगर वे शीघ्र ही ये सब नहीं करते हैं तो उनकी जिंदगी को खतरा हो सकता है। जब इन सब के साथ समायोजन की प्रक्रिया जारी रहती है, तब तक विकास नहीं होता, बल्कि एक नवजात एक स्थिर अवस्था में होता है या फिर निचली विकास की अवस्था की ओर प्रतिगमन रिग्रेस हो सकता है। जन्म के बाद होने वाले समायोजन से संबंधित परेशानियों को वजन में कमी, व्यवस्थित व्यवहार और शिशु मृत्यु के रूप में देखा जा सकता है। प्रसव के पश्चात के समायोजन को कुछ परिस्थितियां प्रभावित करती हैं, जिसमें प्रसव पूर्व काल, जन्म का प्रकार, गर्भ की अवधि, नवजात की देखभाल और प्रसव पूर्व भाव है। हरलोक HB 1981। एक नवजात की वृद्धि में अचानक परिवर्तन देखा जा सकता है। जन्म के साथ ही प्रसव पूर्व हो रही तेजी से वृद्धि और विकास का जन्म के साथ अचानक ही रुक जाता है। ये सब परिवर्तन वजन और शक्ति में कमी या फिर कभी स्वास्थ्य के गिरावट के रूप में व्यक्त होती है। ये परिवर्तन की प्रक्रिया कई हफ्तों तक देखी जा सकती है और फिर से वृद्धि के विन्यास में परिवर्तन होता है। शिशु की स्थिति में सुधार होने लगता है। शैशवकाल के अंत तक शिशु के विकास की स्थिति वापस उसी स्थिति में आ जाती है जो जन्म के दौरान होती है। ये परिवर्तन इंगित करता है कि एक शिशु हो रहे आंतरिक और बाह्य वातावरण में परिवर्तन के साथ मेल बिठाने की प्रक्रिया से गुजरता है। एक नवजात का स्वास्थ्य एक व्यक्ति के जीवनकाल के स्वास्थ्य को सुनिश्चित करता है। बदलते वातावरण में समायोजन के लिए एक शिशु की बहुत देखभाल की आवश्यकता होती है। शैशवकाल की अवधि में एक नवजात के भौतिक और शारीरिक क्रिया में परिवर्तन होता है। हर बच्चा भिन्न होता है और हर बच्चा एक अलग दर से वृद्धि करता है। हालांकि वृद्धि और विकास के विन्यास तथा क्रम प्रायः बच्चों में एक जैसा होते हैं, लेकिन हर बच्चे की विभिन्न विकास की अवस्थाओं में पहुंचने की दर भिन्न होती है। नोवेला JR 2009। सेफलोकॉडल वृद्धि ऊपर से नीचे की ओर होती है और प्रोक्सीमोडिस्टा अंदर से बाहर वृद्धि और गामक विकास मध्य से शरीर के बाहर ओर होती है के सिद्धांतों के अनुसार सामान्य शारीरिक वृद्धि और गामक विकास होता है। जीव के पहले वर्ष में शरीर की वृद्धि बहुत ही नाटकीय ढंग से होती है। वृद्धि बहुत तेजी से होती है, जिसकी दर बाद के 3 वर्षों में कम हो जाती है। लगभग 3 या 4 माह में दांतों का आना आरंभ हो जाता है। 3 वर्ष की आयु तक सभी दांत अपने स्थान पर आ जाते हैं। पहलिया ED-EL 2003। शिशु का औसतन वजन 7 से 5 पौंड और लंबाई 19.5 इंच होती है। लड़के लड़कियों की तुलना में थोड़े अधिक लंबे और भारी होते हैं। नवजात शिशु जिनका वजन 51.5 पौंड से कम होता है, वह कम वजन लो बर्थ वेट के कहलाते हैं। नवजात जो निश्चित अवधि से पहले जन्म लेते हैं, वह अपरिपक्व या असामयिक होते हैं और इन शिशुओं का वजन कम हो सकता है या नहीं। जन्म के समय कम वजन, गर्भधारण की उम्र, शरीर की लंबाई,
हड्डियों का सख्त होना, सिर की परिधि, चिड़चिड़ापन, प्रतिवर्ती क्रिया, पोषण की स्थिति और स्नायविक का मूल्यांकन आदि सब अपरिपक्वता को निर्धारित करते हैं। कैपुटो डी यू 1970। जो शिशु नियत तारीख पर या थोड़े समय बाद जन्म लेते हैं, वे पूर्णकालिक फुल टर्म होते हैं। नियत तिथि से 2 हफ्ते या जो शिशु उससे भी अधिक समय बाद जन्म लेते हैं, वे परिपक्वता में विलंब वाले मोस्ट मैच्योर होते हैं। असामयिक परिपक्व प्रीमैच्योर और विलंब से परिपक्व पोर्ट नेचर दोनों ही शिशुओं में एक सामान्य नियम समय में जन्मे शिशु की अपेक्षा अधिक जटिलताओं का खतरा होता है, जैसे बीमार होना, मस्तिष्क में क्षति और मृत्यु। एक नवजात की मांसपेशियां बहुत नर्म, छोटी और अनियंत्रित होते हैं। हड्डियां मांसपेशियों के जैसे नर्म और लचीली होती हैं, जो कि मुख्यतः उपस्थि कार्टिलेज से बनी होती हैं, और क्योंकि वे कोमल होती हैं, इसलिए वे आसानी से विकृत या कुरूप हो सकती हैं। एक नवजात एक वयस्क का लघु चित्र नहीं होता। सिर लगभग शरीर की लंबाई का 1/4 होता है, जबकि एक वयस्क में वह शरीर की लंबाई का 1/7 ही होता है। कपाल, जो कि आंखों के ऊपर का क्षेत्र है, वह अनुपात में बाकी सिर खोपड़ी से बड़ा होता है, जबकि ठोड़ी अनुपात में छोटी होती है। इसके विपरीत आंखें सही आकार की होती हैं। नाक बहुत ही छोटी व सपाट होती है, जबकि जिनके होंठ पतले होते हैं उनका मुंह छिद्र के जैसा दिखता है। गर्दन बहुत ही छोटी होती है, जो लगभग अदृश्य ही होती है, और जो त्वचा इसको ढकती है वह मोटी परत या शिकन के रूप में होती है। धमे कंधे संकरे होते हैं, जबकि पेट बड़ा और उभारदार होता है। अनुपात की दृष्टि से एक शिशु में हाथ और पैर सिर और धड़ के मुकाबले छोटे होते हैं। हाथ और पैर एक लघु स्वरूप होते हैं। हरलॉक एच बी 1981। शैशवकाल के दौरान शारीरिक खतरे। जैसा कि हमने पहले देखा है कि विकासात्मक कार्य एक सामान्य विकास की रूपरेखा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जो भी इन दक्षताओं को हासिल करने में हस्तक्षेप करते हैं, उन्हें संभावित खतरा माना जाता है। हालांकि इन शारीरिक खतरों का कम महत्व है, तब भी इनका शैशवकाल के दौरान प्रभाव एक बच्चे के पूरे जीवनकाल को प्रभावित कर सकता है। हरलॉक एच बी के अनुसार निम्नलिखित शारीरिक खतरे हो सकते हैं। एक प्रसव पूर्व प्रतिकूल वातावरण, माँ को लंबा और गहरा तनाव, माँ द्वारा अत्यधिक धूम्रपान। 2 गर्भ से संबंधित जटिलताएं। इन जटिलताओं में शामिल हैं लगातार उल्टी का होना, योनि से रक्तस्राव, विषरक्तता TOXINIA या प्राकगर्भाक्षेपक PRESLAMPSIA, एक गर्भवती महिला उच्च रक्तचाप, सूजन, वजन का बढ़ना और मूत्र में प्रोटीन जैसे लक्षणों को दर्शाता है, और गर्भाशय में वृद्धि में रुकावट। पर्यावरण में कई कारक गर्भकाल को प्रभावित कर सकते हैं, जिसमें सम्मिलित हैं मां की आयु, मां की 18 से 35 वर्ष के मध्य आयु, बहुजन्म, पोषण में कमी, बीमारी, दवा का सेवन, धूम्रपान और तनाव। गर्भकाल के दौरान शराब का सेवन। एक शिशु के भ्रूण में शराब के लक्षण FOCTALALCHOL सिंड्रोम का कारण हो सकता है, जो कि मानसिक मंदता का एक मुख्य कारक है, जिससे बचाव किया जा सकता है। 3 जन्म से संबंधित जटिलताएं। इन जटिलताओं में सम्मिलित है प्रसव के दौरान ऑक्सीजन का क्षीण होना या कम होना, मीकोनियम जन्म के तुरंत बाद शिशु का मल त्याग, मीकोनियम एक बच्चे के जन्म के बाद मल द्वारा अवशिष्ट पदार्थ जो कि काला सा बदबूदार होता है उसका निष्कासन, और शिशु एमनियोटिक फ्लूइड AMNIOTIC फ्लूइड जिसमें कि मोकोनियम विद्यमान है उसको श्वास के अंदर से लेता है, तो उसे श्वास संबंधी दिक्कतों और लंबे प्रसवकाल का सामना करना पड़ सकता है। कई बार जन्म के दौरान जटिलताओं के चलते सीजेरियन CESAREN शिशु होता है। 4 बहुजन्म गर्भकाल के दौरान भीड़ भाड़ के कारण भ्रूण की गतिशीलता अवरुद्ध होती है, जिसके फलस्वरूप शिशु जो बहुजन्म के द्वारा होते हैं वह प्रायः एकल शिशु की तुलना में छोटे और कमजोर होते हैं।
वे शिशु समय से पूर्व जन्म लेते हैं, जिससे समायोजन में समस्या होती है। 5. नियम समय में अधिक विलंब। नियत समय से अधिक विलंब तब खतरनाक होता है जब भ्रूण बहुत बड़ा हो जाता है, जिसके कारण जन्म के दौरान औजारों और शल्य चिकित्सा की आवश्यकता होती है। इसमें नियत समय से विलंब के बजाय जन्म के दौरान की स्थिति के कारण खतरा होता है। 6. असामयिक परिपक्वता। असामयिक परिपक्वता के कारण अधिक नवजात शिशुओं की मृत्यु होती है बजाय किसी और स्थिति के कारण। जन्म के दौरान कम वजन एक नवजात के लिए बहुत बड़ा खतरा होता है, जो कि गर्भाशय में वृद्धि के रुकने अथवा असामयिक अपरिपक्वता 38 हफ्तों से पहले जन्म के कारण होती है। अपरिपक्व शिशु कई परेशानियों का सामना करते हैं, जैसे श्वास में तंगी, पोषण लेने में तंगी और पीलिया, जन्म के समय विकृति जो विकास को प्रभावित कर सकती है, तंत्र नलिकाओं में विकृति, गुणसूत्रों में असामान्यताएं, फिनाइल कीटोन्यूरिया जिसमें शिशु फिनाइलएलेनाइन नामक पदार्थ जो कि प्रोटीन में पाया जाता है, बच्चा उसका उपापचय नहीं कर पाता जो बना सकता है, या फिर मानसिक मंदता और सेरिब्रल पैल्सी सेरिब्रल पॉल्जी का कारक हो सकता है। एसफोर्ड बी ETL 1997। प्राय अपरिपक्व प्रीमच्योर शिशु जन्म के बाद के पर्यावरण में समायोजन के दौरान जटिलताओं का सामना करते हैं और ये सब भविष्य में समायोजन को गंभीर रूप से प्रभावित कर सकते हैं। एक व्यक्ति के विकास के लिए शारीरिक खतरे का समय और उनकी सघनता महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि इनका दूरगामी परिणाम होता है। 1.4 बचपन के दौरान शारीरिक विकास। बचपन 2 हफ्ते से आरंभ होकर 2 वर्ष के अंत तक होता है। यही वह असली बुनियादी उम्र और समय है जब तेजी से वृद्धि और परिवर्तन होता है और निर्भरता घटती है। वह समय है जब व्यक्तित्व उभरता है और सामाजिककरण का आरंभ होता है। बचपन वह समय है जब लिंग अनुसार भूमिका तथा रचनात्मकता का सृजन होता है। यह एक आकर्षक और खतरे से भरपूर उम्र होती है। नन्हा बच्चा वह शिशु होता है जिसने अपने शरीर में अपेक्षाकृत नियंत्रण स्थापित कर आत्मनिर्भरता हासिल कर ली है। शारीरिक विकास उसे कहते हैं जिसमें बच्चों में वृद्धि के दौरान जैविक परिवर्तन होते हैं। शैशवकाल और बचपन के दौरान शारीरिक विकास महत्वपूर्ण आयामों में सम्मिलित हैं। शरीर और मस्तिष्क में परिवर्तन, प्रतिवर्ती क्रियाओं का विकास, गामन निपुणता और स्वास्थ्य संबंधी विषय शारीरिक वृद्धि और विकास। बचपन के दौरान शारीरिक वृद्धि तथा विकास धीमी गति की दर से होता है। हरलोट ए बी उम्र वर्ष अनुसार विवरण के लिए स्क्रीन को देखें। 1981 के अनुसार शारीरिक विकास का विन्यास निम्नलिखित रूप से होता है। जन्म के समय वजन प्रायः 6 महीने में वजन दुगना हो जाता है और शिशु के पहले जन्मदिन वर्ष तक 3 गुना हो जाता है। लंबाई एक शिशु 10 में 12 इंच के बीच वृद्धि करता है। शरीर का अनुपात एक शिशु के अनुपात में पहले 2 वर्ष काफी बदलाव आता है। एक बच्चे के सिर का आकार का अनुपात जो कि शरीर का एक तिहाई होता है, वह घर कर 2 वर्ष तक की आयु में 1/4 हो जाता है और वयस्क होने पर शरीर का 1/8 हो जाता है। अस्थि बचपन में अस्थियों की संस्था में वृद्धि होती है। हड्डियों का सख्त होना पहले वर्ष के आरंभिक हिस्से में शुरू होकर वयः संधि तक पूर्ण होता है। शरीर की बनावट शरीर का अनुपात बदलता रहता है और शिशु के शरीर की बनावट में विशेषता देखी जा सकती है। आमतौर पर शरीर की बनावट एक्टोमोर्फिक होती है जिसमें शरीर लंबा और बेलनाकार होता है, एंडोमोर्फिक जिसमें गोल और मोटा होता है, तथा मिजोमोर्फिक में वह भारी सख्त और आयताकार होता है। दांत एक बच्चे में 20 दांतों में से लगभग 4 से 6 अस्थायी दांत पहले वर्ष में आते हैं और अगले 16 दांत 2 वर्ष तक की आयु में आते हैं। ज्ञानेंद्रिय अंगों का विकास 3 माह तक आंखों की मांसपेशियों में एक अच्छा समन्वय स्थापित हो जाता है जिससे बच्चे साफ और भिन्नता से देख सकते हैं और साथ ही शंकु कोन्स अच्छी तरह से विकसित हो जाते हैं जिसमें रंग की पहचान हो जाती है।
तेजी से श्रवण शक्ति का विकास होता है, सूंघना और स्वाद जो कि जन्म से ही विकसित होते हैं उनमें सुधार होता है, शिशु की त्वचा उद्दीपन के प्रति संवेदनशील होती है, मस्तिष्क केंद्रीय स्नायु तंत्र का हिस्सा होता है और शरीर के कार्यों को नियंत्रित करने में निर्णायक भूमिका निभाता है, जिसमें सम्मिलित हैं ऐच्छिक क्रियाकलाप जैसे चलना और बोलना और अनैच्छिक क्रियाकलाप जैसे सांस लेना और पलकें झपकाना। भ्रूण और नवजात का मस्तिष्क तेजी से विकसित होता है। पहले निचले या सब कार्टिकल सब CARTICAL क्षेत्रों का मस्तिष्क में विकास होता है जो कि जीवन के मूलभूत कार्य के लिए आवश्यक है, जिसके बाद उच्च या कॉर्टिकल के क्षेत्रों का विकास होता है जो जिम्मेदार हैं सोचते और योजना बनाने के लिए। अधिकतर मस्तिष्क में परिवर्तन प्रसव पूर्व या जन्म के जल्द ही बाद होता है। जन्म के समय एक नवजात के मस्तिष्क का वजन एक वयस्क के मस्तिष्क के वजन का लगभग 25% ही होता है। दूसरे वर्ष के अंत तक मस्तिष्क का वजन 80% हो जाता है, लेकिन 3 वर्ष तक वह एक नाटकीय अंदाज में विकसित होता है, जिसके दौरान अरबों और कई 100 खरबों कोशिकाएं उत्पन्न होती हैं, जिनमें कोशिकाओं के बीच जोड़ या गणसूचीय संयोजन GYNAPES बनते हैं। वयस्कसंधि तक मस्तिष्क का वजन एक वयस्क के मस्तिष्क के जितना 100% विकसित हो जाता है। हार्लॉक HB 1981। एक शिशु का मस्तिष्क एक वयस्क के मस्तिष्क के आकार का लगभग आधे से अधिक बढ़ता है। केंद्रीय स्नायु तंत्र ज्ञानेंद्रियों को नियंत्रित करता है। लैटरलाइजेशन LATERALIZATION मस्तिष्क की प्रकृति होती है कि हर गोलार्ध हेमिस्फीयर का एक विशिष्ट कार्य होता है जो हर गोलार्ध को एक विशेष कार्य करने में सक्षम बनाता है। एक मस्तिष्क जन्म के कुछ माह पूर्व और जन्म के तुरंत बाद तेजी से वृद्धि करता है, जिस दौरान तंत्रिका कोशिकाएं एक नियत स्थान पर विस्थापित होते हैं, गणसूत्रीय संयोजन बताते हैं और एकीकरण और पृथक्करण से गुजरते हैं। कोशिकाओं की मृत्यु और मायलिनेशन MYLINATION वह प्रक्रिया है जिसके दौरान तंत्र तंत्रिका कोशिकाओं में वसा जैसा पदार्थ जिसे मायलिन कहते हैं की परत चढ़ती है, जो कोशिकाओं में मध्म तीव्र संचार में मदद करती हैं, होता है जो तंत्रिका तंत्र की दक्षता में सुधार लाता है। पीएलिया EDETL 2003। प्रतिवर्ती क्रियाओं का विकास। क्योंकि एक नवजात शिशु खुद से अपने आप को बनाए नहीं रख सकता, इसलिए एक नवजात में विशिष्ट संरचना या पूर्वकालिक क्षमताएं होती है जो उसे जिंदा रखती हैं तथा समायोजन के उद्देश्य को पूरा करती हैं। एक प्रतिवर्ती क्रिया रिफ्लेक्स एक स्वचालित एक अनैच्छिक उद्दीपक के प्रति अनैच्छिक प्रतिक्रिया होती है जिसमें मनुष्य प्रतिक्रिया में कोई नियंत्रण नहीं होता। आंखों का झपकना एक अनैच्छिक क्रिया है जो पूरे जीवनकाल के दौरान रहती है। कई अन्य अनैच्छिक क्रियाओं रिफ्लेक्सियस जन्म के समय होना एक सामान्य मस्तिष्क और तंत्रिका कोशिका के विकास को इंगित करता है। कुछ भी सीखने से पहले अनैच्छिक क्रिया रिफ्लेक्सियस उद्दीपन के प्रति एक स्वचालित अनुक्रिया होती है जिसमें एक नवजात कुछ भी सीखने से पूर्व नए परिवेश में प्रतिक्रिया करता है। उदाहरण के तौर पर जब भी शिशु चूचक निप्पल्स शिशु को दिया जाता है वे स्वतः ही चूसते हैं, जब भी उनके माता पिता बोलते हैं वे अपना सिर घुमाते हैं, जब भी उनकी हथेलियों को उंगली दी जाती है उसे वह पकड़ने की कोशिश करते हैं और जोर की ध्वनि से अचंभित होते हैं। कुछ अनैच्छिक क्रियाएं जैसे पलकें झपकाना स्थायी होती है, जबकि अन्य किसी वस्तु को पकड़ना कुछ महीने के बाद चली जाती है और एक ऐच्छिक प्रक्रिया हो जाती है। हार्लॉक HB 1981। मांसपेशियों का विकास। एक नवजात की मांसपेशियां बहुत कोमल छोटी और अनियंत्रित होती हैं। जन्म के समय गर्दन और पैरों की मांसपेशियां हाथ और कंधों की तुलना में कम विकसित होती हैं। अस्थियां जैसे मांसपेशियों के जैसे बहुत ही कोमल और लचीली होती हैं, क्योंकि वह मुख्यतः उपस्थि कार्टिलेज की बनी होती हैं।
क्योंकि वे बहुत कोमल होती है, इसलिए जल्द ही उनके साथ कुछ भी खराब घटित हो सकता है। त्वचा बहुत ही नरम और चिपचिपेदार होती है। मॉस बड़ा सुदृढ़ और लचीला होता है। पोस्ट पी डब्ल्यू ई टी एल 1976। गामक निपुणताएं और व्यवहारिक क्षमताएं, इनका विकास शारीरिक विकास के समन्वय में होता है। दूसरे शब्दों में, एक शिशु को अपने शरीर में होने वाले परिवर्तन के प्रसंग के अनुरूप गामक क्रियाओं को सीखना पड़ता है। एक माह के बाद नवजात पेट के बल लेटे हुए अपनी ठोड़ी को उठा पाता है। अगले एक माह में नवजात उसी अवस्था में छोटी को भी उठा पाता है। 3 से 4 माह में एक नवजात किसी वस्तु को पकड़ या नहीं पकड़ पाता है, क्योंकि वह प्रतिवर्ती क्रिया के कारण हथेली जल्द ही या देर से बंद करने लगता है, जिसमें उसका कोई नियंत्रण नहीं होता है। 5वें महीने में एक नवजात पलटियां लेने लगता है और 8वें महीने में वह बिना किसी की मदद के बैठने लगता है। इस समय एक शिशु के आंखों और हाथ का समन्वय सुधर जाता है, जिससे उसे वस्तुओं को उठाने में मदद मिलती है। नोवेला जे आर 2009। लगभग 10वें महीने में एक शिशु किसी वस्तु के सहारे खड़ा होना शुरू कर देता है। लगभग 14 महीने में वह खुद से खड़ा होना शुरू कर देता है और वह कई बार चलने भी लगता है। वास्तव में वे सब गामक क्रियाएं इस उम्र में सामान्य मील का पत्थर होती हैं। शारीरिक और गामक विकास की दर हर बच्चे में भिन्न होती है, जिसके कई सारे कारक हैं, जिसमें सम्मिलित हैं अनुवांशिकता, विभिन्न क्रियाओं में बच्चे की भागीदारी और बच्चे को सही मात्रा में दिए जाने वाला ध्यान। 11 गामक निपुणताएं और आर्थिक परिष्कृत होती हैं और बाद में बाहर से निचले शरीर की और उदाहरण के तौर पर निगलना पहले से परिष्कृत होता है और भुजाओं की गति हथेलियों से पहले परिष्कृत होती हैं। शारीरिक क्रिया की कार्य प्रणाली, हालांकि बचपन के अंत तक आदतें पूरी तरह से नहीं बनती, परंतु शारीरिक क्रिया की बुनियादी व्यवस्था स्थापित हो जाती है, जिसमें सोना, खाना और निष्कासन शामिल है। सोने के तरीके में 3रे हफ्ते में 81 2 घंटे से बढ़कर 10वें हफ्ते में 10 घंटा हो जाती है और वह पूरे साल स्थिर रहती है। खाने के तरीके में जन्म से 4 अथवा 5 माह की उम्र तक सभी प्रकार के खाने की प्रारंभिक अवस्था जैसे चूसना और निगलना होती है, इसलिए खाना द्रव्य की अवस्था में होना चाहिए। विकास के विन्यास में प्रायः चबाना काटने के 1 महीने के बाद शुरू होता है। खाने के प्रति नापसंदगी, जो कि दूसरे वर्ष में आरंभ होती है, वह लंबे समय तक शैशवकाल के खाने की आदतों के फलस्वरूप होती है। स्वास्थ्य एक नवजात के विभिन्न अंगों की सामान्य कार्य प्रणाली उसके लघु अवधि और लंबी अवधि के स्वास्थ्य के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जन्म के समय लगभग 1% शिशुओं को जन्म आघात BIRTHTRUME या क्षति का सामना करना पड़ता है। लंबवत शोध LONGITVDIRAL स्टडी के अनुसार, अगर बच्चा अभावग्रस्त परिवेश में पैदा होता है, तो जन्म के समय आघात, जन्म के समय कम वजन और बीमारी शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकती हैं। अधिकतर बच्चे दृढ़ होते हैं और वे आरंभिक दिनों में आदर्श अवस्था की कमी की भरपाई कर लेते हैं। कुपोषण, साफ सफाई और चिकित्सीय सेवा, ये सब स्वास्थ्य संबंधी खतरों का सामना करना पड़ता है। माता पिता को चाहिए कि एक नवजात शिशु सही से खाए, साफ रहे और उसे पर्याप्त चिकित्सीय देखभाल मिले। उदाहरण के तौर पर, सही से प्रतिरक्षण किया जाए तो संक्रमण वाले रोगों जैसे गलघोंटू, डिप्थीरिया, खसरा, कंधमाला का रोग और पोलियो से बचा जा सकता है। एक अनुज्ञापत्रधारी लाइसेंस्ड विशिष्ट चिकित्सक एक माता पिता को प्रतिरक्षण का विवरण एक तालिका चार्ट द्वारा दे सकता है। निम्नलिखित सुझावित बच्चों में प्रतिरक्षण और अन्य कारक जैसे स्वास्थ्य और मां का टीकाकरण इत्यादि एक नवजात की मृत्यु दर को कम करने में सहायक होते हैं। शिशु मृत्यु दर का मतलब है उन बच्चों प्रतिशत जो जन्म के 1 वर्ष के अंदर ही मृत्यु को प्राप्त होते हैं। अल्पसंख्यक शिशु जो कि कम वजन, अपरिपक्व और विलंब से पैदा होते हैं, उनकी मृत्यु का खतरा अधिक होता है।
सरकार द्वारा चिकित्सीय सुविधा की उपलब्धता, व्यवहार, ये सब बच्चे को अच्छा स्वास्थ्य प्रदान कर सकते हैं। नवजात जन्म से एक माह तेजी से लंबाई और वजन में वृद्धि होती है। नवजात पूरे दिन सोता है, सोने और जागने का चक्र स्थापित करता है, सभी ज्ञानेंद्रियां जागृत होती है। एक से छह माह शिशु चीजों तक पहुंचने और पकड़ने की कोशिश करता है। एक शिशु सिर उठाता और घुमाता है, वह पलटी लेता है, वह रेंग या घुटने के बल चलता है। ग्रहणशीलता और अधिक विकसित होती है, दृष्टि उत्तरोत्तर 10 से 10 तक पहुंच जाती है। मस्तिष्क का भार एक वयस्क का एक चौथाई होता है। व्यवहार अधिकतर अनैच्छिक होता है, दृष्टि मार्ग का माइलिनेशन शुरू होता है, परवर्ती क्रियाएं खत्म होने लगती हैं, मोटर कॉर्टेक्स परिपक्व होने लगता है, दृष्टि से संबंधित नलिकाओं का माइलिनेशन जारी रहता है। पांचवें महीने में मस्तिष्क की कार्य प्रणाली में परिवर्तन का संबंध विभिन्न भावों के पृथक्करण से होता है। 6 से 12 माह एक शिशु बिना किसी सहारे के बैठता है, एक शिशु पकड़ कर खड़ा होता है, फिर बाद में बिना सहारे के खड़ा होता है, वह पहला कदम खुद से ले सकता है, वजन लगभग 3 गुना हो जाता है। प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स का विकास संज्ञात्मक तथा याददाश्त से संबंधित कार्य को करने में मदद करता है। फ्रंटल लोन, लिम्बिक तंत्र और हाइपोथैलेमस संज्ञात्मक भावात्मक कार्य प्रणाली के लिए परस्पर सहयोग करते हैं। 12 से 18 माह ऊंचाई और वजन का बढ़ना थोड़ा धीमा हो जाता है, वह अच्छे से चल पाता है, वह 2 ब्लॉक से मीनार खड़ी कर पाता है। मस्तिष्क के लेटरलाइजेशन और लोकलाइजेशन कार्यों में वृद्धि होती है। 18 से 24 माह एक बच्चा चल पाता है, गणसूत्रीय संयोजन की संख्या में वृद्धि होती है। 24 से 30 माह कलाकारी में घसीटे मारने, आड़ी टेढ़ी रेखाएं बनाने लगता है, सूत्रीय संयोजन सिनेप्स की संख्या में वृद्धि होती है, अवांछनीय सिनेप्स चले जाते हैं, फ्रंट लोब का माइलिनेशन होता है, वह विकास स्वयं के प्रति सजगता, स्वयं सजग भाव व स्वयं पर नियंत्रण की क्षमता को प्रदर्शित रेखांकित करता है। 30 से 36 माह बच्चे के प्रारंभिक दांत आ जाते हैं, बच्चा कूद सकता है, तंत्र कोशिकाओं का एकीकरण और पृथक्करण जारी रहता है। 3 साल बच्चा आकृतियां बनाने लगता है, बच्चा द्रव को उड़ेल सकता है और बर्तनों से सिल्वरवेयर खा सकता है, वह खुद शौच जा सकता है। मस्तिष्क का भार एक वयस्क का 90% होता है, दायापन का बायापन दिखने लगता है, ऑटोमोनिक तंत्रिका तंत्र में अंतःस्राविक परिवर्तनों का संबंध मूल्यांकन से संबंधित भावों से होता है। 4 वर्ष बच्चा मदद के साथ पोशाक पहनने लगता है, बच्चा चित्र व डिजाइन बना लेता है और इनकी नकल कर सकता है, वह कैंची से काट पाता है और पहचाने जाने वाले अक्षरों को लिख पाता है, सुनने से संबंधित मार्गों का माइलिनेशन पूर्ण हो जाता है। 5 से 6 वर्ष बच्चा एक एक पाव रखकर बिना किसी की मदद के सीढ़ियां उतर सकता है, बच्चा उछल कूद कर सकता है और दिशा बदल सकता है, वह खुद से पोशाक पहन सकता है, बच्चा एक व्यक्ति का चित्र बना सकता है तथा आकृतियों की नकल कर सकता है। प्रारंभिक दांत गिरने लगते हैं और स्थायी दांत इनका स्थान लेने लगते हैं। मस्तिष्क लगभग एक वयस्क के आकार का हो जाता है। कॉर्टिकल क्षेत्र का संबंध भाषा और परिपक्वता से होता है। 7 से 8 वर्ष शरीर का संतुलन अच्छा हो जाता है, गति और फेंकने की क्षमता अच्छी हो जाती है, अवांछनीय गणसूत्रीय संयोजन सिनेप्स का निष्कासन। 9 से 11 वर्ष एक सामान्य लड़की ने वयः संधि से संबंधित परिवर्तन देखे जा सकते हैं, किशोरावस्था का आरंभ होता है, अवांछनीय गणसूत्रीय संयोजन सिनेप्स
का निष्कासन किशोरावस्था तक जारी रहता है। ब्रेजेल्टव नवजात व्यवहार आंकलन पैमाना मायक 1973 में डॉटी बेन ब्रेजेल्टन व उनके सहयोगियों द्वारा विकसित नवजात के वातावरण पर्यावरण के प्रति अनुक्रिया को निर्धारित करने के लिए स्नायविक व व्यवहारिक परीक्षण है, जो स्नायविक कार्य पद्धति में समस्याओं को पहचानने व भविष्य के विकास को जानने में प्रयोग में आता है। पर्यावरणीय अनुभव मानसिक विकास पर सकारात्मक या नकारात्मक प्रभाव डालते हैं। उचित वृद्धि व विकास के लिए पोषण महत्वपूर्ण है। मस्तिष्क व तंत्रिका तंत्र का विकास बहुत हद तक बच्चे को पिलाए गए माँ के दूध पर निर्भर करता है। अध्ययन बताते हैं कि जीवन के बाद के चरण में शिशु के वनक्यू के स्तर का निर्धारण सीधे तौर पर स्तनपान की अवधि से संबंधित है। बचपन के शारीरिक जोखिम शारीरिक खतरे एक बच्चे के लिए गंभीर विषय है, खासतौर से अपरिपक्व जन्म में प्रीमच्योर बच्चे के लिए S4BETL 1997। बचपन के दौरान S4B के अनुसार कुछ शारीरिक खतरे निम्नलिखित है। 1. बीमार होना। हालांकि शिशु प्राकृतिक रूप से रूबेला खसरा कंदमाला पोलियो और गलघोंटू के प्रति रोग प्रतिरोधक क्षमता के साथ जन्म लेते हैं, लेकिन वह 3 से 6 माह से अधिक सही बनी रहती। शिशु में ऊपरी श्वास के संक्रमण ब्रोंकाइटिस और निमोनिया का संभावित खतरा बना रहता है। मेनिंगाइटिस मस्तिष्क का ज्वर जो कि मस्तिष्क की झिल्ली में एक कीटाणु के संक्रमण द्वारा होता है, वह खासतौर से बच्चों के लिए खतरनाक होता है। 2. दुर्घटना। बच्चों के साथ कहीं भी दुर्घटना हो सकती है। बच्चे कुर्सी चढ़ते हुए गिर सकते हैं, वे सीढ़ियों से गिर सकते हैं, वे विषैले पौधे खा सकते हैं, किसी भी वस्तु से उनका गला घुट सकता है या फिर सिर के बल पानी की बाल्टी में गिर सकते हैं। 3. पेट दर्द क्लोव कोलिक उस प्रकृति को कहते हैं जहां अचानक ही और अकारणवश जोरदार चिल्लाने लगते हैं। यह खाद्य पदार्थ से एलर्जी के कारण या पाचन तंत्र की अपरिपक्वता के कारण होता है या फिर तंत्रिका तंत्र में समस्या के कारण और घबराए हुए देखभालकर्ता के कारण। बच्चे इन सभी स्थितियों से पार लगभग 3 महीने में या लेते हैं। 4. अचानक नवजात शिशु की मृत्यु का लक्षण SIDS कई बार बिना किसी विशेष शारीरिक दिक्कत के किसी भी शिशु की अप्रत्याशित मृत्यु हो सकती है। माँ से संबंधी कारकों में शामिल हैं माँ का कम उम्र बहुजन्म धूम्रपान माँ द्वारा नशीले पदार्थों का सेवन प्रसव पूर्व ध्यान न देना और जल्दी ही बिना अंतराल के गर्भधारण होना। 5. कुपोषण कुपोषण अपर्याप्त भोजन या असंतुलित आहार के कारण हो सकता है जो कि शारीरिक स्वास्थ्य के साथ साथ मानसिक स्वास्थ्य को भारी क्षति पहुँचा सकता है। इसके वृद्धि रुक सकती है जिसके कारण शारीरिक विकृति जैसे सड़े दांत धनुषाकार पैर और बार बार बीमार होने की प्रवृत्ति हो सकती है। हरलोक HB 1981। 1. बचपन के दौरान कौन से विकास से संबंधी मुख्य खतरे हैं। 1. 5. प्रारंभिक बाल्यावस्था के दौरान शारीरिक विकास। बचपन को 2 भागों में विभाजित किया जा सकता है, आरंभिक बाल्यावस्था जो 2 से 6 वर्ष तक होती है और उत्तर बाल्यावस्था जो 6 वर्ष से लेकर लैंगिक रूप से परिपक्व होने तक जो कि लड़कियों में लगभग 13 वर्ष और लड़कों में 14 वर्ष तक होती है। माता पिता द्वारा आरंभिक बाल्यावस्था समस्या समझी जाती है, यह मुसीबतों से भरी या खिलौनों की उम्र होती है। शिक्षाविद इसे पाठशाला पूर्व समय कहते हैं और वे टोली पूर्व समय है। मनोवैज्ञानिक इसे समझने और प्रश्न पूछने की उम्र मानते हैं। विक्टर 1948-1952 के अनुसार प्रारंभिक दिनों के विकासात्मक कार्य हैं ठोस खाद्य पदार्थों को खाना सीखना चलना सीखना बोलना सीखना अवशिष्ट पदार्थ का निष्कासन सीखना लिंग भेद या लिंग से संबंधित आचार व्यवहार सीखना पढ़ने के लिए तैयार होना सही और गलत सीखना और चेतना का विकास होना। प्रारंभिक बाल्यावस्था में शारीरिक विकास धीमी दर से बढ़ता है, लेकिन आंतरिक क्रियाओं की व्यवस्था जिनकी नींव बचपन के दौरान पड़ जाती हैं,
सही से स्थापित हो जाती हैं। हर्लो की बी के अनुसार बचपन में शारीरिक विकास की व्यवस्था नीचे दी गई है। बोध प्रश्न दो नोड अपना उत्तर देने के लिए नीचे दिए गए रिक्त स्थान का प्रयोग करें। ऊंचाई हर वर्ष लगभग 3 इंच की लंबाई में बढ़ोतरी होती है। वजन छह वर्ष में इनका वजन जन्म के समय से लगभग 7 गुना होता है। विवरण के लिए स्क्रीन को देखें। शरीर का अनुपात स्पष्ट परिवर्तन और बच्चे जैसी सूरत चली जाती है और मुखाकृति छोटी रहती है लेकिन थोड़ी काफी असरदार दिखने लगती है और गर्दन लंबी हो जाती है। दिल का जाटा छोटापन कम हो जाता है और शरीर की कोण आकृति हो जाती है जिसमें सपाट पेट चौड़े और सपाट छाती तथा वर्गाकार और चौड़े कंधे हो जाते हैं। हाथ पैर लंबे व दुबले हो जाते हैं और हथेलियां और पाम बड़े हो जाते हैं। शरीर की बनावट पहली बार आरंभिक बाल्यावस्था में शरीर की बनावट में अंतर देखा जा सकता है। एंडोमोर्फिक एक्टोमोर्फिक या मिजोमोर्फिक वसा जो बच्चे एंडोमोर्फिक होते हैं उनमें वसा ऊतक ADIPONE मांसपेशियों की तुलना में अधिक होते हैं। जो मिजोमोर्फिक होता है उनमें मांसपेशी वसा ऊतक में ज्यादा होता है और जो एक्टोमोर्फिक बनावट के होते हैं उनमें दोनों छोटी मांसपेशी और कम वसा ऊतक होते हैं। दांत प्रारंभिक बाल्यावस्था के पहले 4 से 6 महीने में अंतिम 4 पीछे के दांत के दांत उभरते हैं। प्रारंभिक बाल्यावस्था के अंतिम 6 महीनों में अस्थाई दांत दूध के दांतों की जगह लगते हैं। हड्डियां विकासात्मक दिशा निर्देश के सिद्धांत का अनुसरण करते हुए शरीर के विभिन्न भागों में हड्डियां अलग अलग दर से सख्त होती हैं। मांसपेशियों का विकास हालांकि आरंभिक बाल्यावस्था में उनका अपेक्षाकृत अधिक हो जाता है लेकिन मांसपेशियों के बड़ा मजबूत और भारी होने के कारण बच्चे पतले दिखते हैं। इस अवधि में बच्चा शरीर की गति का समन्वय करना समस्या सुलझाना तथा दूसरों से संवाद करना सीखता है। गामक विकास बचपन के प्रारंभिक विकास में केवल एक श्रेणी है और इसका संबंध बच्चे के गति करने और शरीर के नियंत्रण की क्षमता से है। विशाल गामक क्षमताएं विशाल गामक क्षमता जिन्हें स्थूल गामक निपुणता भी कहा है का संबंध बच्चे की बड़े समूह की मांसपेशियों के बड़े समूह का गति करने तथा शरीर के नियंत्रण में उपयोग करने की क्षमता से है। ये क्षमताएं एक बच्चे के जीवन के प्रारंभिक महीनों में विकसित होती हैं। पहले 18 महीनों में बच्चे में स्थूल गामक निपुणताएं विकसित होती हैं जिसमें सिर को स्वतंत्र रूप से उठाए रखना शरीर को घुमाना रेंगना घुटने के बल चलना खड़ा होना पलती को नियंत्रित करना शामिल है। कुछ स्थूल गामक क्षमताएं जैसे भुजाओं को घुमाना सूक्ष्म गामक क्षमताओं जैसे इशारा करना और पकड़ना विकसित होते हैं। जैसे बच्चा बड़ा होता है वह स्थूल गामक क्षमताओं का उपयोग सीढ़ियां चढ़ने उतरने भागने उछलने पैर मारने पकड़ने और फेंकने में कर पाता है। सूक्ष्म गामक क्षमताएं सूक्ष्म गामक क्षमताओं को जिनको बारीक गामक क्षमता भी माना जाता है भुजाओं हाथों और उंगलियों की अधिक विशिष्ट गतियां हैं जो एक बच्चे को पकड़ने और वस्तुओं के साथ काम करने में मदद करती हैं। पहले 18 महीनों में एक बच्चा एक वस्तु को एक हाथ से दूसरे हाथ में खिसका पाता है वस्तुएं पकड़ पाता है। पहले 5 वर्षों में बच्चे अपनी बारीक गामक क्षमताओं का उपयोग कपड़े पहनने खाने के बर्तनों का उपयोग करने लिखने व अंकित करने में भी करते हैं। बारीक गामक क्षमताएं जैसे खाने के छोटे टुकड़ों को 2 उंगलियों के बीच पकड़ना प्रारंभिक बाल्यावस्था में और अधिक परिष्कृत हो जाती है। बारीक गामक क्षमताएं बचपन के खेल जिनमें खिलौना बनाई गई वस्तुओं के साथ खेलते हैं में भी शामिल है। लोकोमोटर निपुणता LOCONOTOR स्किल्स आरंभिक बाल्यावस्था में मोटर विकास को स्थूल गामक क्षमताओं के अतिरिक्त वर्गों में भी बांटा जा सकता है जिसमें सारे शरीर का समन्वय स्थापित करना शामिल है। लोकोमोटर निपुणता आरंभिक बाल विकास की पहली अवस्था है। वह किसी भी उम्र की अधिक जटिल व नियंत्रित शारीरिक गतिविधियों की पूर्ववर्ती होती है।
लोकोमोटर निपुणता में शामिल हैं, घुटने के बल चलना, भागना, कूदना और उछलना। स्थिरता के निपुणता। स्थिरता में निपुणता स्थूल गामक निपुणता मोटर स्किल की दूसरी श्रेणी में आता है और वे शरीर की गति में संतुलन बिठाते हैं। बच्चे घूमने, मुड़ने, झुकने, पलटी मारने, झूलने और पैंतरेबानी करने के दौरान शरीर को स्थिर रखना सीखते हैं। एक लोकोमोटिव क्रिया को रोकना जैसे भागते और उछलते हुए रुकना भी एक स्थिरता का कौशल है जो एक बच्चा प्रारंभिक लोकोमोटर निपुणता की सीखने के बाद विकसित करता है। कौशलों का कुशलतापूर्ण प्रयोग करना। निपुणताओं का कुशलतापूर्वक प्रयोग स्थूल मोटर विकास की अंतिम अवस्था होती है और जिसमें सूक्ष्म मोटर विद्यमान होते हैं। फेंकना, पकड़ना, लात मारना, लपकना और किसी खेल संबंधित उपकरण जैसे रैकेट, रैकेट और बैट, बैट का इस्तेमाल, ये सब मैन्यूपुलेटिव गामक निपुणता में आते हैं। एक बच्चे द्वारा गामक विकास में कुशलतापूर्वक प्रयोग की पूर्ण अवस्था को यौन के लिए उसे उससे संबंधित लोकोमोटर और स्थिरता में निपुणता को सीखना होगा, क्योंकि कुशलतापूर्वक गामक निपुणताओं के लिए मांसपेशियों के समूह में संतुलन और सटीक नियंत्रण होना चाहिए। मस्तिष्क का विकास। सीखने की प्रक्रिया मनुष्य के जीवन के अंत तक जारी रहती है, लेकिन बड़े बच्चों और वयस्कों के लिए अनुभवों की नींव शैशवकाल और प्रारंभिक बाल्यावस्था में मस्तिष्क के विकास के दौरान पड़ती है, जिसमें ज्ञानेंद्रिया जैसे सुनना, देखना से लेकर शारीरिक, भावात्मक और सामाजिक निपुणता तक शामिल है। जन्म से 5 वर्ष तक बच्चे सुनने और देखने में योग्य हो जाते हैं। बच्चों को आकृतियों, रंगों और गतियों से रूबरू करने से उनकी दृष्टि विकसित होती है, जबकि उन्हें आवाजों, गानों और स्वरों से स्वरूप कराने से सुनने की प्रतिक्रिया विकसित होती है। बच्चे जीवन के बाद के काल में जो भी बोलना सीखते हैं उसका ज्यादातर विकास शैशवकाल और बचपन के दौरान बातचीत, गानों और साथ ही साथ देखभालकर्ता से बातचीत के दौरान होता है। प्रारंभिक बाल्यावस्था के दौरान मस्तिष्क बाहरी भाषा को सीखने में अधिक ग्रहणशील होता है। आंतरिक क्रियाओं की कार्यप्रणाली। आंतरिक क्रियाओं की व्यवस्था जिसकी नींव बचपन के दौरान पड़ती है, वे प्रारंभिक बाल्यावस्था में अच्छे से स्थापित हो जाती है। बच्चे सही अंतराल से भोजन, खाना साखते हैं। छोटे बच्चे की अति भूख में आंशिक रूप से वृद्धि दर पर जाने तथा आंशिक रूप से खाने के प्रति पसंद और नापसंद विकसित हो जाने से कम हो जाती है। 1-3 वर्ष का नन्हा शिशु 24 घंटे सोता है। प्रारंभिक बाल्यावस्था के दौरान लगातार कुछ वर्षों तक रोज की औसतन नींद में लगभग आधा घंटा हर वर्ष कम होता है। बचपन के अंत तक आंतों की कार्य प्रणाली स्थापित हो जाती है। जब तक एक बच्चा 3 या 4 वर्ष का होता है, वह रात के दौरान मूत्राशय पर नियंत्रण या लेता है। जब तक बच्चा स्कूल में प्रवेश करता है, उसे पूर्ण रूप से मूत्राशय पर नियंत्रण पा लेना चाहिए, जो कि थकावट और तनाव की स्थिति में भी बाधित नहीं होता। प्रारंभिक बाल्यावस्था में शारीरिक जोखिम। प्रारंभिक बाल्यावस्था के दौरान शारीरिक खतरों का प्रभाव शारीरिक रूप से देखा जा सकता है, खासतौर पर बीमारी, दुर्घटना और भद्दापन के तौर पर नाजुक होता है। हरलोक एच बी के अनुसार कुछ शारीरिक खतरे निम्नलिखित हैं। 1. मृत्यु दर। बचपन के प्रारंभ में तेजी से मृत्यु दर घटने लगती है। बचपन के दौरान बीमारी के बजाय मृत्यु अक्सर दुर्घटना के कारण होती है, और क्योंकि लड़कों में लड़कियों की तुलना में अधिक दुर्घटनाएं होती हैं, इसलिए प्रारंभिक बाल्यावस्था के दौरान अक्सर लड़कों की मृत्यु लड़कियों की तुलना में अधिक होती है। 2. बीमारी। हालांकि नन्हे शिशु में सभी प्रकार की बीमारियों की शंका अधिक होती है, लेकिन श्वास संबंधी बीमारियां सामान्यतः अधिक होती है। 3. दुर्घटना। अधिकतर नन्हे बच्चे कटना, चोट लगना, संक्रमण, जलना, हड्डियों का टूटना, मांसपेशियों का खींचना या दुर्घटनावश इसी तरह की छोटी दिक्कतों का सामना करते हैं। 4. अनाकर्षण। जैसे प्रारंभिक बाल्यावस्था बढ़ती है, बच्चे और अधिक अनाकर्षक हो जाता है, वे उत्तर बाल्यावस्था में निचले श्रेणी की ओर चले जाते हैं। 1. व्यक्ति की उम्र के निरपेक्ष
लोग आकर्षक दिखने वाले के साथ सकारात्मक तरीके से पेश आते हैं और जो अनाकर्षक होते हैं उनके साथ नकारात्मक देखी जा सकती है। नन्हे इसे अस्वीकार्यता मानते हैं और बुरी तरह से क्रोधित होते हैं। 5. भद्दापन AWAKWERDNES प्रारंभिक बाल्यावस्था में अजीबोगरीब होना मस्तिष्क की जन्म के दौरान क्षति के कारण हो सकता है। बच्चे जो अजीब होते हैं वह गामक क्षमताओं में देरी के कारण होता है, अपने हम उम्र की बराबरी नहीं कर पाते और परिणाम स्वरूप वे इनके खेलों में शामिल नहीं किए जाते। 6. मोटापा खतरनाक होता है। सबसे पहले ये स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। ये आकर्षकता के लिए खतरा होता है। प्रारंभिक बाल्यावस्था के दिनों में मोटापा खतरनाक हो सकता है क्योंकि इस अवधि में बच्चे की खाने की आदत स्थापित हो रही की आदत स्थापित होती है। 1. 6. उत्तर बाल्यावस्था के दौरान शारीरिक विकास। उत्तर बाल्यावस्था 6 वर्ष से लेकर लैंगिक रूप से परिपक्व होने तक, जो कि लड़कियों में 13 वर्ष और लड़कों में 14 वर्ष तक की होती है, वह माता पिता द्वारा कष्टकर गंदला करने की या झगड़ने की उम्र मानी जाती है। शिक्षाविद इसे प्रारंभिक शिक्षा की उम्र और मनोवैज्ञानिक इसे वेली बनाने की उम्र, अनुपालन की उम्र या सृजनात्मकता की उम्र मानते हैं। उत्तर बाल्यावस्था के दौरान विकासात्मक कार्यों में सम्मिलित हैं आवश्यक भौतिक निपुणताओं को सीखना, जिसमें सामान्य खेल, एक जीव के तौर पर स्वयं के बारे में हितकारी वृत्ति, अन्य साथियों के साथ तालमेल बिठाना, उपयुक्त पौरुष या स्त्रियोचित भूमिकाओं का निर्वहन आरंभ होना, बुनियादी पढ़ने लिखने और हिसाब किताब की कला विकसित होना, रोजमर्रा के जीवन के लिए आवश्यक विषयों कॉन्सेप्ट्स की जानकारी होना, सामाजिक समूहों और संस्थानों के प्रति सोच और व्यक्तिगत तौर पर स्वावलंबन होना। शारीरिक विकास बहुत ही धीमी और एक समान गति से बढ़ता है, जो कि स्वास्थ्य, आहार और प्रतिरक्षण, लैंगिक और बौद्धिक स्तर द्वारा प्रभावित होता है। एक बच्चा उसी उम्र के बच्चे से पूर्ण तरह भिन्न विकास की अवस्था में हो सकता है। शारीरिक विकास में विषमताएं कई सारे कारकों के कारण हो सकती है। 1. मुख्य कारक जो शारीरिक विकास को तय करता है वह अनुवांशिकता पर निर्भरता है। ऊंचाई 5-6 सेंटीमीटर, लंबाई में वार्षिक तौर वृद्धि होती है। वजन, वयः संधि के आरंभ होने पर लगभग 12 साल की लड़कियों का वजन 38.7 किलोग्राम और लड़कों का वजन लगभग 37 किलोग्राम होता है। विवरण के लिए स्क्रीन को देखें। शरीर का अनुपात, हालांकि सिर पूरे शरीर में अनुपात की दृष्टि से बड़ा होता है, जैसे ही मुंह और जबड़ा बड़ा होता है चेहरे की बेढंग विशेषताएं चली जाती है, माथा चौड़ा और सपाट हो जाता है, होंठ भर जाते हैं, नाक बड़ी हो जाती है और आकृति ले लेती है, दबेल नाकसर और पतला हो जाता है, गर्दन लंबी हो जाती है, छाती चौड़ी हो जाती है, पेट पतला, भुजाएं और पैर लंबे हो जाते हैं और हाथ और पैर बड़े हो जाते हैं, लेकिन वे सब धीमी गति से होता है। दांत, सामान्यतः वयः संधि तक एक बच्चे के 32 में से 28 स्थायी दांत आ जाते हैं। अक्लदाढ़ के अंतिम 4 दांत किशोरावस्था के दौरान आते हैं। मांसपेशियों का विकास, वयः संधि के आरंभ में वसा ऊतक मांसपेशियों की तुलना में ज्यादा तेजी से विकसित होते हैं। स्थूल गामक निपुणताएं जैसे लपकना, भागना, फेंकना, पकड़ना, चढ़ना और संतुलन बनाना और अधिक आसान हो जाता है। महीन गामक निपुणताएं जिसमें शरीर की हरकतों द्वारा कार्य जैसे जूता बांधना, लिखना और संगीत के उपकरण बजाना, ये सब बढ़ते लगते हैं। अन्य गामक विकास जिसमें हाथ और आंखों का समन्वय, प्रतिक्रिया का समय और दाएं बाएं हाथ का भेद सुधारने लगता है। उत्तर बाल्यावस्था में शारीरिक खतरे जोखिम, आरंभिक दिनों के कई सारे शारीरिक जोखिम उत्तर बाल्यावस्था में भी जारी रहते हैं। इनका पहले की तुलना में शारीरिक स्वास्थ्य में प्रभाव काफी कम तीव्र और कम दूरगामी होता है। हरलोक HBHARLOCKHB 1981, वे बीमारी, दुर्घटना,
मोटापा और अतिपन के अतिरिक्त उत्तर बाल्यावस्था के दौरान अन्य शारीरिक खतरों को निम्नलिखित उल्लेखित किया है। एक, लिंग के अनुपात के अनुसार शारीरिक रचना। लड़कियां जिनकी शारीरिक रचना पुरुष और लड़के जिनकी रचना लड़कियों के जैसे होती है, उनके साथी मजाक बनाते हैं और वयस्क भी दया भाव दिखाते हैं। इस सब के फलस्वरूप व्यक्तिगत और सामाजिक तौर पर कुसमायोजन होने लगता है, लड़कियों की तुलना में लड़कों के साथ अधिक होता है। इसके विपरीत, एक लिंग के अनुपात के अनुसार शारीरिक रचना एक अच्छे समायोजन में मदद करती है। दो, शारीरिक विकलांगता। कई सारी विकलांगता दुर्घटना का उत्तर प्रभाव होती हैं और अतः लड़कों में सामान्य होती हैं। इसकी गंभीरता विकलांगता के बल और अन्य लोग बच्चे के साथ कैसा व्यवहार करते हैं, खासतौर पर साथी समूह पर निर्भर करता है। कई अक्सर विकलांग बच्चे सहमे हुए होते हैं और जल्द ही सामाजिक स्थिति में बीमार पड़ जाते हैं। INHIBITATION, इसके फलस्वरूप उनका सामाजिक रूप से खराब समायोजन होता है और यह उनके व्यक्तिगत समायोजन को भी प्रभावित करता है। उम्र, विकासात्मक उपलब्धियां, डेवलपमेंटल माइलस्टोन। 4 हफ्ते, गामक व्यवहार। 4 हफ्ते, सिर को किनारे की स्थिति में झुकाता है। 4 हफ्ते, वह जब झुका हुआ होता है, थोड़े समय के लिए सिर उठाता है। 3 माह, जब वह झुका होता है, वह 90 कोकों में सिर उठाता है। 5 माह, वह सहारा लेकर बैठता है, पलटी लेता है। 6 माह, वह सिर और छाती को भुजाओं की मदद से ऊपर उठाता है। 8 माह, वे कमर सीधी कर बैठ पाते हैं, वे घुटने के बल चलने लगते हैं। 10 माह, रीढ़ की हड्डी सीधी कर बैठते हैं और फिर बैठ कर खड़े होते हैं, बिना पेट के बल जमीन में रेंगते हैं। 14 से 15 माह, बिना सहारे के चलते हैं, आगे पीछे चलते हैं। 2 वर्ष, बिना सहारे के चलते हैं, वो आगे और पीछे चलते हैं। 2 वर्ष, अच्छा भागते हैं, अकेले सीढ़ियां चढ़ते हैं, एक बड़ी गेंद को लात मार लेते हैं, वो सिर के ऊपर बॉल फेंक लेते हैं। 2-5 वर्ष, वे पंजों के बल चल लेते हैं। 3 वर्ष, सीढ़ियों में संतुलन बनाकर चल लेते हैं, पैर सीढ़ियों में ऊपर चलाने लगते हैं, वे एक तिपहिया साइकिल चलाने लगते हैं, वे ऊंची छलांग लगाने लगते हैं, अपनी जगह पर कूदने लगते हैं। 4 साल, वो एक पैर पर 5 सेकंड के लिए खड़े होते हैं। 5 वर्ष, वे पंजों में चलने लगते हैं, एक पाव से उछलने लगते हैं। अनुकूलन के हेतु व्यवहार, ADAPTI यानी बिहेवियर। 4 हफ्ते, सामने गतिशील वस्तुओं को पहचानने लगते हैं। 3 माह, गतिमान वस्तुओं का पीछा करने लगते हैं, वे मध्य रेखा से दूर रहते हैं, वे एक ही ओर केंद्रित होकर देखते हैं। 4 से 5 माह, वे कुदरती तौर से चीजों को पकड़ना शुरू कर देते हैं, पकड़ने की कोशिश करते हैं। 6 महीने, वस्तुओं को एक हाथ से दूसरे हाथ की ओर खिसकाने लगते हैं। 9 से 10 महीने, हाथों को तेजी से पकड़ते हैं और दोनों हाथों से वस्तु को मध्य में उंगलियों से पकड़ते हैं। 1 वर्ष, मांगने पर हाथ में पकड़ी वस्तु को माँ को देते हैं। 1 समय में 2-3 पन्नों को पलटते हैं। 1-5 वर्ष, वे 3 से 4 क्यूब की मीनार बनाते हैं, स्वतः ही आड़ी तिरछी रेखाएं खींचते हैं, लिखने की नकल उतारने लगते हैं, कई बार वो लंबी लाइनें खींचने लगते हैं। 2 वर्ष, वे 1 समय में किताब का 1 पन्ना पलटने लगते हैं, वे 6 से 7 क्यूबों की मीनार बनाते हैं, वे क्षैतिज आकृति रेखा HORIZONTAL लाइन खींचते नकल करते हैं। 3 वर्ष, वे 9 से 10 क्यूब्स की मीनार बनाने लगते हैं, वे 3 प्यालों से पुल बनाते हैं। 4 वर्ष, वो क्रॉस का निशान बनाने लगते हैं। 5 वर्ष, वो वर्गाकार आकृति खींचने नकल लगते हैं, जान पहचान के चेहरे को खींचने नकल उतारने लगते हैं। 6 वर्ष, वे 1 त्रिकोण नकल उतारने लगते हैं। 7 वर्ष, 1 हीरे का आकार नकल खींचने लगते हैं। 8 वर्ष,
चित्रों को देखते हुए आकृति बनाते नकल हैं। 9 वर्ष चित्रों को देखकर नकल आकृति बनाते हैं। भाषा 4 हफ्ते सिर घुमाते हैं, घंटी की आवाज को सुनकर उत्तर देने लगते हैं, शब्द निकालने लगते हैं, रोने के अलावा 3 माह जोर से बोलते हैं, 9 महीने बोलते हैं ममा दादा मम्मा और अन्य स्वर वाली ध्वनिया नामों को सुनकर उत्तर देने लगते हैं, 10 महीने वे कुछ हद तक बातचीत को समझने लगते हैं, उदाहरण के तौर पर माँ कहा है, 1/4 वर्ष वे 3 से 5 अर्थपूर्ण शब्द बोलने लगते हैं, 18 महीने वे लगभग 10 शब्द बोलने लगते हैं जिसमें नाम भी सम्मिलित हैं, 2 वर्ष वे 2 भिन्न शब्दों को जोड़ने लगते हैं, वे चित्र देखकर कम से कम 1 वस्तु का नाम बताने लगते हैं, वे नाम लिए जाने पर कम से कम 1 शरीर की ओर इशारा करने लगते हैं, वे सरल वाक्य बनाने लगते हैं, 3 वर्ष वे बहुवचन इस्तेमाल करने लगते हैं, अच्छा खासा शब्द ज्ञान हो जाता है, 5 वर्ष वे रंगों का सही से नाम बताने लगते हैं, प्रारंभिक रंगों का वे शब्दों को परिभाषित करने लगते हैं, निजी और सामाजिक व्यवहार पर्सनल एंड सोशल बिहेवियर 4 हफ्ते तुरंत ही चेहरे को पहचानने लगते हैं, 2 से 3 माह सामाजिक तौर पर मुस्कराना, 3 महीने माँ को पहचानता है, 6 माह खाने को मुंह में लेने लगता है, वह खुद ही शक्ल शीशे में देख मुस्कराने लगता है, 9 महीने वह सामाजिक रूप से खेल के प्रति रुचि दिखाने लगता है, वह खिलौने को छीनने का विरोध करने लगाता है और वह उसे पकड़ने की कोशिश करता है, वह दूध की बोतल पकड़ने और वह बिस्कुट खुद से खाने लगता है, 1-5 वर्ष थोड़ा सा गिराते हुए वह चम्मच से खुद से खाने लगता है, वह दूसरों की नकल उतारने लगता है, वह धागे से खिलौने को खींचने लगता है, शौच से संबंधित सीख शुरू हो जाती है, 2 वर्ष वह साधारण कपड़े जुराब और जूते पहनने लगता है, 3 वर्ष वह बटन खोलने लगता है, वह जूते बांधने लगता है, वह मदद के साथ कपड़े पहन और उतार सकता है, 4 वर्ष वह बटन सही से लगाने लगता है, वह खुद से चेहरा धोने लगता है, वह आसानी से दूसरे बच्चों के साथ खेलने लगता है, थोड़ी दिक्कत के साथ माँ से अलग रहने लगता है, 5 वर्ष वह बिना किसी निगरानी के कपड़े पहनने लगता है, 1-7 सारांश इस इकाई में हमने विकास के अर्थ जीवन काल की अवस्थाएं मानव विकास के आयाम और विकासात्मक कार्यों पर चर्चा की है, शैशवस्था और बाल्यावस्था के दौरान होने वाले जैविक विकास को समझने के लिए हमने प्रसव पूर्व विकास पर्यावरण का प्रसव पूर्व विकास पर प्रभाव और प्रसव पूर्व देखभाल के अर्थ पर चर्चा की है, शैशवस्था आरंभिक बाल्यावस्था और उत्तर बाल्यावस्था के दौरान शारीरिक विकास और इससे संबंधित शारीरिक खतरों पर भी विस्तार से चर्चा की है, बच्चे के सर्वांगीण विकास की जरूरत के लिए ऐसे अवसर जो अन्वेषण और जिज्ञासा को बढ़ाते हैं उसमें माता पिता की एक देखभालकर्ता के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका होती है। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में अगले पाठ के साथ।